नमस्कार सभी को, मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं और आज फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। आज जो हमारा वीडियो बनाने का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी जो हरियाणा में लागू है, जिसके अंडर आर्किटेक्ट्स जो हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं लाइसेंस्ड कॉलोनीज का, हुड्डा का नहीं, एमसीजी का नहीं, कॉरपोरेशंस का नहीं, ओनली फॉर द लाइसेंस कॉलोनीज, और वो भी खासकर सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनीज के अंदर, जैसे कि अंसल्स है, वाटिका है, डीएलएफ है, इस तरीके की जो कॉलोनीज हैं जो प्लॉट्स को प्लॉट्स कटिंग करती है और लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल हाउसेज बनाते हैं, पार्किंग प्लस चार, पार्किंग प्लस तीन, और जैसे भी इंडिविजुअल हाउसेज बंगलोज बनाते हैं, उनका सरकार ने नियम बनाया है सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर आर्किटेक्ट ही साइन करके ओसी दिया करेगा जो देता है। ये पॉलिसी को चलते चलते आप मान के चल लीजिए जनवरी से लागू हो गई थी, जनवरी 2023 से, और आज करीब करीब इसको 9 महीने हो गए हैं चलते चलते। कुछ इसके अंदर कमियां हैं, कुछ इसकी अच्छी बातें हैं, पर अब जब लागू हो चुकी है, चल रही है, तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, जो मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ में इस चीज़ को डिस्कस करता हूं। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है लोगों को, वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पाते हैं कि आर्किटेक्ट किस तरीके से साइन करके उसी को दे देगा और उसको कैसे एक लीगल पेपर माना जाएगा, अप्रूव्ड पेपर माना जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट में डीटीपी साहब के साइन होते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ ये गवर्नमेंट का पेपर है, पर आपने बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग बनाने के बाद आपको कोई सरकार की तरफ से लेटर नहीं मिल रहा है, कोई आपको कोई ओसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो आर्किटेक्ट ही साइन करके दे रहे हैं। तो हाँ है, सही है। अभी बैंक्स को भी ये चीज़ समझने में समस्या आई जब उन्होंने लोन्स वगैरह को डिस्पर्स किया और ऐसी चीज़ें की, लेकिन ऐसा ही है। अब इसके जो नियम हैं, एक्चुअल में क्या नियम है, सरकार ने क्या नियम बनाए हैं जिसके तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी काम कर रही है, तो ये वो लेटर है जो 16/11/2022 को निकला था, जिसके अंदर प्रोसीजर बताया गया था कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर रिगार्डिंग issuance of occupation certificate under self-certification policy for residential houses on individual plots falling within licensed residential plotted colonies in Haryana। जैसे मैंने आपको बोला कि DLF, Vatika, Ansals, Unitech, इस तरीके की जो plotted colonies होती हैं। अब इसमें क्या है, जो अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं, तो क्या हुआ कि अभी इससे पहले हम क्या करते थे, architects हैं जो जब building complete हो जाती थी, एक फिनिश्ड फॉर्म में आ जाती थी, तो उसको उसकी फाइल प्रिपेयर होती थी, फाइल प्रिपेयर होती थी, तो उसके अंदर जो उसके मैप सेंशन है, सेंशन मैप्स के ऊपर मार्किंग होती थी, जो भी डेविएशंस हैं, आपने इंटरनल लेआउट्स के अंदर कोई चेंज किया है, कोई दीवार को इधर से उधर कर दिया है, कोई भी जो चेंजेस हुए उनकी मार्किंग होती थी, मार्किंग के साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म्स फिल किए जाते थे कि कोई एक्स्ट्रा फीस बन रही है नहीं बन रही है, कोई जो पुरानी फीस थी जो आपने भरी थी और जो नई फीसें आई हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस निकल के आता है तो वो फीस पे करनी है, वो फॉर्म्स भरते थे। आर्किटेक्ट का लाइसेंस लगता था, एक जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं उनका एक सर्टिफिकेट लगता था, एक पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट आती थी कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में कराया हुआ है, तो उसको चेक करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विसेज को चेक करके कि सीवेज लाइन और आपकी जो वाटर लाइन्स वगैरह हैं प्रॉपर तरीके से डली हुई हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे देता था, वो उस फाइल के अंदर लग जाता था। बिल्डिंग की टोटल फोटोग्राफ्स लगती थी, जिन फोटोग्राफ्स में देखा जाता था वो फोटोग्राफ्स कि बिल्डिंग फिनिश है नहीं है, ज़्यादातर उसमें फ्रंट जो है बिल्डिंग का उसको कंप्लीट दिखाना फोटोग्राफ के अंदर अनिवार्य था, जिसके अंदर डोर विंडोज है, रेलिंग्स हैं, आउट ऑफ फिनिशेज हैं, आपका रैंप है, मेन गेट लगाना ना लगाना ये एक थोड़ा सा मुद्दा रहा, क्योंकि काफ़ी ऐसी कॉलोनीज है जहाँ पे मेन गेट लोगों ने चाहा ही नहीं, डिज़ाइन के अंदर ही नहीं था कि उसे लगाया जाए पार्किंग बेहतर करने के लिए, लेकिन मेन गेट लगा हो तो बेहतर है ये है। और अंदर स्ट्रीट की फोटोग्राफ खींचती थी ताकि ये मालूम चले कि स्ट्रीट में कोई कवरेज की हुई है नहीं की हुई है, बिल्डिंग में कोई कटआउट आपने छोड़ा है तो उसकी फोटोग्राफ लगती थी ताकि पता चल जाए कि हाँ बिल्डिंग के अंदर कटआउट छोड़ा है, और बाद में उसको जब विजिट हो तो उससे मालूम चल जाए कि हाँ ये कटआउट इन्होंने भर लिया है फिर नहीं भर लिया है। एक किचन की फोटोग्राफ लगती थी तो उसमें किचन एटलीस्ट ऐसा प्रोविजन हो कि स्लैब उसमें डली हुई हो और सिंक हो और एक टैप हो ताकि बेसिक आप खाना बनाने का प्रावधान वहाँ पे कर पाए, वुडवर्क उसके अंदर उतना बढ़िया, चिमनी वगैरह और वो सब बेशक से ना हो, एक सेमी फर्निश्ड जैसा चीज़ हो। उसके बाद आपकी टॉयलेट की होती थी,
कि आपने जो टॉयलेट बनाया घर के अंदर उसके अंदर टाइल्स लगी हो, सैनिटरी लगी हो, यूजेबल हो, वाटर उसके अंदर आता हो पानी ताकि इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद स्टेयर केस की पिक्चर लगती थी तो स्टेयर केस आपका प्रॉपर रेलिंग लगी हो ताकि कोई गिर ना सके उस पर, और पत्थर लगाओ या फिर जैसा भी आप उसको नीट एंड क्लीन करके आप शो करना चाहते। बिल्डिंग के अंदर मलबा ना हो, ये है जिसको जो HBCA उसमें लिखा हुआ है, देर शुड नॉट बी डेब्रीज एंड रबिश मटीरियल ऑन साइट। इसमें थोड़ा सा वाद विवाद है कि वो एक्चुअल में होता क्या है। मेरे हिसाब से डेब्रीज जो होती है वो ऐसा होती है कि हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो उससे पैदा हुआ मलबा जो कि वेस्ट मटेरियल होता है उसको डेब्रीज कहा जाता है। लेकिन इसके अलग अलग तरीके के लोगों ने निकाले कि क्या हो सकता है। कुछ ने कहा कि हाँ जो बचा हुआ सामान है उसको भी कई बार डिपार्टमेंट मान लेता है कि आपका कोई चीज़ सामान बच गया है, प्लाई बोर्ड्स बच गए हैं या फिर पत्थर बच गया है, आपकी सीमेंट की पूरी पूरी बोरियाँ बच गई हैं, पाइप्स बच गए हैं, तो आप उनको जनरल स्टिल्ट में रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं कि आप उसको कभी किसी को सेल करेंगे आगे या फिर कोई फर्दर कभी यूज़ में आएगा तो यूज़ कर लेंगे। कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से इन चीज़ों को भी स्पेशल ऐसा माना गया कि ये डेब्रीज हैं या फिर ये रबिश मटेरियल है, पर ऐसा नहीं है, वो खैर अलग एक टॉपिक है। तो वो फोटोग्राफ्स लगती हैं, टेरेस की फोटोग्राफ लगती है जिसमें टेरेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें कहीं रेनफोर्समेंट बार्स नहीं दिखनी चाहिए कि आप ऊपर मंजिल बनाना चाहते हैं अपने प्रोविजन छोड़े में, वो सब नहीं होना चाहिए। ऐसी रियर की फोटोग्राफ है, बिल्डिंग की जो बैक साइड की फोटोग्राफ है वो जरूर लगती है ताकि बैक साइड का हिस्सा समझ में आ जाए कि आपने रेलिंग्स लगाई हैं, डोर विंडोज लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। ये तो अनिवार्य फोटोग्राफ्स हैं जो लगाना उसमें ज़रूरी है फाइल के अंदर। बाकी आप और भी जो रूम्स हैं अंदर के उनकी फोटोग्राफ्स आप लगा सकते हैं कि उसमें डोर विंडोज लग गए हैं, बेसिक फिनिशिंग आपने बिल्डिंग को वाइट कर दिया है, इस हिसाब से कर दिया कि आपने कि आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे, तो फिर फर्दर आपको कुछ दिनों बाद अपना जो इंटीरियर करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि टीवी यूनिट बनानी है, अलमीराज बनानी है, मॉड्यूलर किचन बनाना है, झूमर लगाना है, कोई और वॉल टेक्सचर पेंट करना है, वो फिर फर्दर आदमी जो परचेज करता है फ्लोर या रहने आता है तो अपनी सुविधा के अनुसार करा पाए। एक्चुअल मतलब तो इसका ये है। तो इसी हिसाब से ये फोटोग्राफ्स, और ऐसी ही एक वीडियो बनाई जाती है साइट की जिसमें ये सब नज़र आ जाता है, हर फ्लोर पे आदमी जाकर के शो कर देता है कि ये सारी चीज़ें हर फ्लोर पे बनी हुई है। ये CD हो गई आपकी, फोटोग्राफ्स हो गई, उस फाइल के अंदर लग जाती है, फॉर्म्स उसमें लग जाते हैं, सर्टिफिकेट्स लग जाते हैं, मैप के अंदर डिमार्केशन हो करके जो डेविएशन हैं, पब्लिक हेल्थ की जो लाइन्स हैं वो लग करके लग जाती है, ये सारा बंच बन करके जो फीस रिसिप्ट है, जो आपने पैसा पे किया हुआ है पुराना और जो नया बैलेंस बचा था उनकी फीस रिसिप्ट लग जाती है, वो लग करके पूरी फाइल प्रिपेयर हो जाती है। वो फाइल प्रिपेयर होने के बाद आर्किटेक्ट उन सब पर साइन करके एक OC का लेटर टाइप करता है, जो OC वो ओनर को देता है और जो OC वो डिपार्टमेंट पे सबमिट करता है। अब ये पॉलिसी कहती है, इसके आगे की बात जब उसने फाइल बना ली है तो ये पॉलिसी कहती है कि वो फाइल जो आर्किटेक्ट है वो विदिन 3 डेज, जैसे मैंने आज अगर OC मैंने 21 तारीख को OC देना है तो 21 तारीख का अगर मैंने OC पे डेट लिख दिया है तो विदिन 3 डेज यानी 22, 23, 24 के बाद 25 नहीं 24 तक मैक्सिमम मैं उस फाइल को सबमिट करा सकता हूँ डिपार्टमेंट में कि मैंने अपनी फाइल प्रिपेयर कर दी है, इसमें फीस हैं, डेविएशंस हैं, जो भी मार्किंग्स हैं मैं सब करके इसको प्रॉपर तरीके से लाएँ और मैं इसको सबमिट करा रहा हूँ, OC मैंने क्लाइंट को दे दिया है। उसके बाद वो जो है आपकी फाइल सबमिट की जाएगी। तो अब इसमें भी काफ़ी फेरबदल है, ये डॉक्यूमेंट तो बना दिया लेकिन इसमें इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं लिखे कि वो फाइल कैसे रिसीव की जाएगी, कौन रिसीव करेगा उस फाइल को, आप रिसीविंग देंगे, मेमो नंबर देंगे, क्या करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ किया। काफ़ी समय तक ऐसा हुआ, जैसे अगर मैं आप गुड़गांव की बात बताऊंगा कि ऐसा नियम बना दिया गया कि आर्किटेक्ट जाएगा, आर्किटेक्ट ही जाएगा जमा करने, और एक काउंटर बना दिया, क्लर्क है, क्लर्क को वो जमा कराएगा, क्लर्क उसकी एंट्री करा लेगा और स्टैंप लगा देगा। ये कुछ दिनों बाद थोड़ा सा कुछ उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है ऐसा करना, तो DTP साहब ने खुद निर्णय लिया कि मैं खुद रिसीव करूंगा फाइल्स को। तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि आर्किटेक्ट आएगा, वो बाहर बैठेगा, वेट करेगा, अपॉइंटमेंट लेगा या जो भी करेगा, जैसे उनका नंबर आएगा आर्किटेक्ट का, वो DTP साहब के पास जाएगा, DTP साहब खुद गुड़गांव के अंदर अब उनकी फाइल्स चेक करेंगे, फोटोग्राफ चेक करेंगे, बात पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, जैसा भी करेंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ ये केस सही है अपने हिसाब से, तो वो उसको बोलेंगे, मार्क कर देंगे कि ये मैंने मार्क कर दिया कि और आप इसको अब जमा कर दो, फिर जाकर के वो क्लर्क है वो उसको जमा करेगा और उसके ऊपर रिसीविंग दे देगा।
लगती है। अगर डीटीपी साहब को नहीं अच्छी लगती है, उसमें कहते हैं कि ये फोटोग्राफ सही नहीं है, इसमें लाइट नहीं जल रही है, या फिर इसमें थोड़ा स्ट्रीट में कूड़ा नजर आ रहा है, या फिर कोई भी इस तरह की उनकी ऑब्जर्वेशन है, तो वो वापस कर देंगे, वो जमा ही नहीं करेंगे फाइल। तो काफ़ी लोग इस तरीके से परेशान भी हुए और बढ़िया भी हुआ, दोनों चीज़ें हुई, क्योंकि फाइल डीटीपी साहब ने खुद कंप्लीट कराई और कुछ लोगों को लगा कि ये तो ज़बरदस्ती हो रही है, छोटी छोटी कमी निकाल करके चार चार बार ऑफिस में चक्कर मारना पड़ रहा है, जब डीटीपी साहब अपनी सीट पे नहीं बैठे हैं तब उनका वेट करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा है कि सीट पे बैठे वो लंबी मीटिंग में, तो आर्किटेक्ट अपना ऑफिस का काम छोड़ करके उन्हीं के पास वेट कर रहा है। इस तरीके से परेशानियाँ हुई, पर लोगों ने फिर भी काम चलाया। फिर कुछ समय बाद फिर छोटा मोटा फिर बदल हुआ, जो भी हुआ फिर उसके बाद ये चीज़ भी ख़त्म कर दी गई और ऐसा बोल दिया गया कि अब आप सीधा है जो डायरेक्ट फाइल जमा कराइए, कोई स्टैंप नहीं मिलेगी उसके ऊपर, कोई मेमो नंबर नहीं मिलेगा, कोई रिसीविंग नहीं मिलेगी, बस जा करके आपको फाइल को छोड़ करके आना है डिपार्टमेंट में। यह है, अब आपकी फाइल अगर गुम हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपके पास कोई मेमो नंबर, कोई रिसीविंग कुछ नहीं है जो आप उसको फाइंड कर सके। पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहीं भी हरियाणा में नहीं बनाया गया, सब अपने हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं और हो सकता है थोड़े दिनों बाद फिर कुछ और चेंज करके बना दे कि अब ऐसा रिसीव होगा, तो आर्किटेक्ट का सिर्फ साइन चला जाता है, वैसा होता है। ये तो हुआ फाइल सबमिट करने का तरीका। अब आपकी फाइल सबमिट हो गई विद इन 3 डेज, आपका 3 डेज से अगर ज़्यादा चला गया तो आपको दोबारा से OC के पेपर है, जो OC का जो रिटर्न पेपर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें नई डेट डालनी पड़ेगी और अपने क्लाइंट को भी नई डेट डाल करके आपको देना होगा। ये है। अब इसमें जो एक और कैच है, वो कैच ये है कि OC का पेपर कैसा होता है। एक साधारण पेपर होता है और उसके ऊपर एरियाज लिखे होते हैं कि आई एम गिविंग दिस OC अंडर सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी टू मिस्टर ओनर, जिनका नाम होता है, और मैं आर्किटेक्ट हूँ, और उसके अंदर बेसिक एरिया की डिटेल होती है। अब इसमें एरिया की डिटेल क्या है, इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिपार्टमेंट की तरफ से HBC में आज तक कभी नहीं आया। पता नहीं कैसे एक चल रहा है, देख करके किसी को चल रहा है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, इसमें 4 टॉयलेट हैं, 1 ड्राइंग रूम है, इसके अंदर 1 किचन है, 1 स्टोर है, 1 बेडरूम है, इस तरीके से पूरा ऐसा ब्यौरा दिया जाता है और उसके सामने उसका एरिया लिखा जाता है। वो चीज़ हुड्डा में नहीं है, हुड्डा के अंदर MCG के अंदर ऐसा नहीं है, उनके जो OCs होते हैं उसमें सीधा लिखा होता है फर्स्ट फ्लोर इजकल टू इतना स्क्वायर मीटर एरिया, सेकंड फ्लोर इजकल टू इतना स्क्वायर मीटर। पर डिपार्टमेंट के OC के अंदर ये थोड़ी सी उलझन है कि आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, पेंट्री में नहीं तो पेंट्री इतनी है, स्टोर है तो स्टोर एक ये है। ऐसा लिखने से भी एक ये मुसीबत जरूर क्रिएट हो जाती है कि आर्किटेक्ट जो है और ओनर है ये प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि अब इन्होंने बाई चांस किसी टॉयलेट को यूज़ नहीं किया, उनको लगता है कि ये टॉयलेट अब काम का नहीं है तो इसको मैं स्टोर बना लूं, तो अब वो फंस सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने जाकर DTP साहब ने 1 महीने बाद, एनफोर्समेंट ने 2 महीने बाद, HTP से 3 महीने बाद भी आदमी जाकर के घर के अंदर जाकर के देखता है और वो देखता है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तो दिया हुआ है, 4 टॉयलेट लिखे हुए फ्लोर पे, लेकिन 1 टॉयलेट तो आदमी ने स्टोर बना लिया है, उसके अंदर सैनिटरी हटा करके और स्टोरेज कर लिया है, तो अब उसका OC कैंसिल है और सोकाज नोटिस आर्किटेक्ट को भेज दिया जाएगा कि उसने ये चीटिंग की है, फोर्जरी की है। ये है, बेडरूम के अंदर सोफा रख दिया, ड्राइंग रूम कैसे बना दिया, ये तो बेडरूम था, आपने ड्राइंग रूम के अंदर बेड रख दिया तो पेपर में तो दिख रहा है जी ड्राइंग रूम है, वहाँ पर आपने बेड रखा हुआ, दीवान कैसे रख दिया, तो सोने की चीज़ हो गई, तो ऐसी चीज़ों के अंदर दिक्कत आ सकती है। पर ऐसा उन्होंने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, लेकिन आर्किटेक्टों से स्पेशल लिखवा करके लेते हैं और ये फंसने की चीज़ भी है। हालांकि ये जरूर है कि इंटरनल चेंजेस का जो है अब कोई पैसा नहीं है, डिपार्टमेंट ये कहता है इंटरनल चेंजेस की जो नई पॉलिसी है कि आप इंटरनल चेंजेस कितना भी घर में कर सकते हैं, आपने किसी को टॉयलेट बनाया आप स्टोर बना दीजिए, कोई उसका आपको शो करने की और मतलब उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा भरने की इंटरनल चेंजेस की जरूरत नहीं है। इस चीज़ से तो ये मालूम होता है कि हाँ डिपार्टमेंट ओपन है कि आपने जितना कवर एरिया यूज़ करना है वो आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपका बनाते बनाते मन कर गया कि नहीं मैं इसको कुछ और चेंज कर लेता हूँ या फिर कोई एरिया को और चेंज कर लेता हूँ, तो आप कर सकते हैं, और हालांकि ये जायज़ भी है। जैसे मैंने एक फ्लोर बना करके सेल किया है, फिर मैं कोई फ्लोर परचेज किया और मैंने जाकर के देखा कि ये 4 BHK है, मैं एक ये दरवाजा दीवार हटा करके 2 बेडरूमों के बीच में अपने बेडरूम को बड़ा कर लेता हूँ तो वो 3 BHK हो जाएगा, तो मैं कर सकता हूँ, इंटरनल चेंजेस ये हैं, वो अलाउड भी हैं। लेकिन OC में लिखे हुए 4 बेडरूम, अब हो गए 3 बेडरूम, तो अब अगर डिपार्टमेंट आ गया या फिर कहीं से उनको पता चल गया कि अब इन्होंने 4 बेडरूम का 3 बेडरूम कर लिया, तो वो फंस गए, आर्किटेक्ट भी फंस गया और ओनर भी फंस गया, क्योंकि उन्होंने OC में लिख करके दिया हुआ है कि बेडरूम घर के अंदर 4 हैं, अब वो पाए गए 3, तो मतलब 4 जगह हो गई। टॉयलेट एक बंद कर दिया, हटा दिया उसकी सैनिटरीज और आपने उसको स्टोर बना दिया, आप फंस गए। ये है,
इंटरनल चेंजेस अलाउड है, लेकिन ओसी में लिख करके लिया है ये है, तो गड़बड़ हो गई। अब आप उसको फर्दर भी बेचते हैं, आपने मान के चलिए मैंने 4 BHK कन्वर्ट करके 3 BHK कर लिया, एक टॉयलेट हटा दिया, स्टोर बना दिया, अब मैं इसको फर्दर आगे बेच रहा हूँ किसी को, मेरे को 4-5 साल हो गए रहते हुए, फिर जो भी मेरा मन है। तो मैंने अब जब किसी को बेचा तो मैंने उसको ओसी दिया, उसने देखा ओसी में तो लिखा हुआ है 4 BHK, लेकिन इनका तो घर यहाँ पे 3 BHK, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी मैंने पहले 4 BHK खरीदा था, तोड़ करके 3 BHK कर लिया। लेकिन वो आदमी जाकर के अगर वहाँ पे वेरीफाई कराता डिपार्टमेंट में जी ऐसा है, ये ऐसा चेंज हो सकता है कुछ कि 3 BHK हो गया, तो वो पकड़ा गया कि उसने ये गड़बड़ की। ये गलत है, ये एक ऐसी चीज़ बनाई हुई है जिसका कोई एक्चुअल में सोच नहीं सकता, लेकिन लूप होल है पॉलिसी के अंदर, और इन चक्करों में आर्किटेक्ट और ओनर हैं जो वो फंस जाते हैं। आप मतलब जो ड्वेलिंग यूनिट कहती है HBC के अंदर, जो ड्वेलिंग यूनिट की जो परिभाषा है वो ये है कि एक ड्वेलिंग यूनिट लिवेबल यूनिट मान ली जाएगी और उसको रहने को दे दिया जाएगा उसको उसी, अगर उसके अंदर एक किचन फ्लोर पर एक टॉयलेट एक बेडरूम अगर है तो आप उसका उसी ले सकते हैं, पर यहाँ उसी में जब लिखवाते हैं इतना इतना तो वो गड़बड़ है। खैर इसके ऊपर फिर फर्दर आर्किटेक्ट्स ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है लोकल आर्किटेक्ट्स ने, वो उसके ऊपर वर्कआउट करेगी, उनका फ्यूचर एजेंडा है कि इन चीज़ों को धीरे धीरे करके सिस्टम में से इन जो खामियां हैं इनको पकड़ पकड़ के ठीक करके और एक स्टैंडर्डाइज किया जाएगा कि कैसा होना चाहिए। तो वो जमा हो गई है आपकी फाइल, फाइल जमा होने के बाद अब जो आता है ये पेपर फाइल जमा करने तक का था, सेकेंड पेपर पे आता है कि देयर मे बी चांस that architect engineers are not following the professional ethics in issuing the occupation certificates under self certification policy। ऐसा हो सकता है कि architects हैं जो वो गड़बड़ कर रहे हो पेपर बनाने में, साइट के अंदर कोई खामियां हैं फिर भी उसको डाल रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तो DTPs हैं, therefore it would be appropriate that the concerned DTP district town planning officer in all districts जो हैं वो दे आर लाइबल टू चेक 10% ऑफ द OC फाइल रिसीव्ड इन देयर डिपार्टमेंट। जितनी भी फाइल रिसीव हुई हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मंथ में, उन फाइलों को DTP साहब हैं जो 10% चेक करने के लाइबल हैं कि वो उनको चेक करेंगे। विद इन 10% चेकिंग एज मैंशनड अबाउ शैल बी डन इन 7 working days ओनली एट द लेवल ऑफ ATP और DTP। सिर्फ ATP और DTP ही साइट को विजिट कर सकते हैं विद इन 7 days, जब OC जो हो गया है आपने सबमिट कर दिया उसके, तो वो जाकर के देखेंगे कि आपने जो फाइल जमा की है जो साइट है वो फाइल के अकॉर्डिंग है, डेविएशंस जो हैं वो सही मार्क हैं, फिनिशिंग जो इतनी होनी चाहिए एज पर ए ड्वेलिंग यूनिट जो मैंशन है HBC में वो है या नहीं है, और फिर आपकी फाइल अगर सही है तो आपको वो OC को आपकी फाइल को रिसीव कर लेंगे। अगर उसके अंदर कोई कमी पाती है तो फिर वो आप लोगों को शोकाज भेजेंगे और क्लाइंट को शोकाज भेजेंगे, साथ ही साथ वो अथॉरिटीज़ जो लोकल अथॉरिटीज़ जो इलेक्ट्रिकल और वाटर की है उनको भी भेज सकते हैं कि आप अभी इनको ना इशू करें, इस तरह रिकमेंड कर सकती है, ये भी उसके अंदर मेंशन है। ये तो अब इसके अंदर भी एक कैच है कि एक तो ATP और DTP ही विजिट करेंगे, पर काफ़ी जगह इस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है कि JEE को भी भेजा जा रहा है, जाकर JEE विजिट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ATP DTP, तो बात तो फिर वही है जैसे पहले होता था। ये है ऐसा भी समझ में आ रहा है, मतलब हालांकि डिपार्टमेंट शेयर नहीं करता, हम मांगने की भी कोशिश करते हैं कई बार, ऐसा भी समझ में आ रहा है कि अगर 50 फाइल जमा हुई हैं तो 50 की 50 विजिट हो रही हैं, या फिर कुछ उसमें इरेशनल तरीका यूज़ किया जा रहा है। खैर वो डिपार्टमेंट की है, वो चाहे सारी की सारी फाइल्स को विजिट करें बेटरमेंट के लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन एक इसके अंदर जो समस्या है वो समस्या ये है कि फिनिशिंग लेवल क्या हो, क्योंकि मकान बनाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाल की खाल कोई भी निकाल सकता है। आप 10 साल से रह रहे हैं घर में तो भी मैं आकर के उसके अंदर कमी निकाल सकता हूँ कि देखिए ये चीज़ फिनिश नहीं है, आपकी कोई ब्रिक दिख रही है या फिर पेंट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है इसके अंदर, यहाँ तो पेंट की घोड़ी रखी हुई है जिस पे पेंट पेंटर चढ़ करके पेंट करता है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पेंट की बाल्टियाँ क्यों रखी हुई हैं, क्या आप तो पेंट करा रहे हो घर के अंदर, आप तो फिनिश हो चुका है मकान, फिर पेंट की बाल्टियों का क्या काम है। ये पत्थर की जो सिल्लियाँ है, ये जो थप्पियाँ है, ये क्यों रखी हैं, अब आपके घर में सारे घर में पत्थर लग गया है तो फिर इसका क्या काम है। क्लाइंट कहता है ये तो बच गई थी कंस्ट्रक्शन में, ये महंगा पत्थर है कहाँ रखें, तो अब इन चीज़ों का जो है इन चीज़ों का कोई मापदंड नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो इससे कैसे बचे कोई व्यक्ति, क्योंकि अब रैशनल इसमें लिखा हुआ रैशनल तरीके से करेगा, लेकिन कैसे करेगा रैशनल तरीके से,
अगर किसी आर्किटेक्ट को कैच करना है, डीटीपी साहब को अच्छा नहीं लग रहा है, एटीपी साहब को अच्छा नहीं लग रहा है वो आर्किटेक्ट, जिस भी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो तो एक मिनट में कभी भी शो कॉज निकाल सकते हैं। उसने फाइल जमा कराई, उसकी फाइल पकड़ी, साइट पे गए और जाकर के उसको सीधा कैच कर दिया और उसको शो कॉज निकाल दिया। इसमें एक और मजे की बात है, जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं साल के अंदर लेट्स से 50 हाउसेज मैं बनाता हूँ, तो 50 हाउसेज मुझे पे डिपेंड है कि मैं उनका घर बनाऊंगा और वो मैं उनको ओसी दूंगा। अब यहाँ पर इतना है कि एक तो इतनी ये इतनी पेचीदा चीज़ है कि फिनिशिंग का कोई मेंशन नहीं है, आप किसी भी चीज़ में आप पकड़े जा सकते हो। यह दूसरा एक और पेचीदा चीज़ है कि आपका अगर शोकाज आ गया किसी एक फाइल के ऊपर, तो बाकी 59 जो बचे हुए आपके प्रोजेक्ट है वो सब होल्ड हो गए, अब किसी को ओसी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जिस आर्किटेक्ट को आपने 50 जो भी मकान बना रहा था आपके, उस आर्किटेक्ट के पास शोकाज आ गए, अब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, लिखित में अपना बयान देगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, कुछ समय निकलेगा, वो समय ऐसा निकल सकता है कि वो महीना निकल सकता है, 2 महीना निकल सकता है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसा निकलता है जनरली। तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं जिनको और भी ओसी लेने हैं, तो वो भी गए। ये है, कौन देगा उनको ओसी? सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। मतलब शोकाज एक में, हालांकि सरकार को क्या करना चाहिए, एक वार्निंग, दो वार्निंग, तीन वार्निंग, ऐसा कुछ बनाना चाहिए स्ट्रेटेजीज। ये है, और जो दूसरे लोग आ रहे हैं जिनका आर्किटेक्ट है जो बिल्कुल ही खराब है यह है, तो उनके लिए भी कोई प्रावधान बनाना चाहिए कि आप दूसरे तरीके से आओ, आप हमें सीधा डिपार्टमेंट बोलो कि आर्किटेक्ट तो वो था हमारा जिसको शोकाज मिल गया, अब आप हमारा ओसी डिपार्टमेंट दे, क्योंकि कोई और आर्किटेक्ट क्यों देगा उनका ओसी जब उन्होंने हायर उस आर्किटेक्ट को किया हुआ है। तो आर्किटेक्ट को एक वार्निंग देनी चाहिए, फर्स्ट बार में ही उसको ओसी दे देना, मतलब शोकाज दे देना, वो भी ठीक नहीं है। तो 10% केसेस डीटीबी साहब चेक करेंगे, फिर फर्दर वही फाइल है जो एसटीपी ऑफिस में भी जमा होगी, जहां पर एसटीपी जो है, एसटीपी साहब भी लाइबल हैं 5% केसेस को चेक करने के लिए, तो वो भी चेक कर सकते हैं फर्दर इसी तरीके से। तो ये जो सब चेकिंग है, ये फाइल जमा होने के बाद, इसमें तो लिखा हुआ है 7 दिन के भीतर भीतर की जाएगी, लेकिन ये चीज़ बिकॉज इतना प्रेशर रहता है डिपार्टमेंट में, जो डीटीपी एटीपी है वो अच्छा खासा बिजी रहते हैं चीज़ों करने में, तो 7 दिन के अंदर करना मुश्किल हो जाता है। वो ऑफिस भी संभाले, बाहर से लोगों जो आ रहे हैं उनसे भी मिलना है, उनसे भी मिले और इसी के अंदर ये फाइल भी चेक करें। शायद इसी वजह से 10% जो है वो चेकिंग रखी गई थी, 100% नहीं रखी गई थी, पर वो अपना मैनेज करते हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि 7 दिन नहीं, 25 दिन बाद भी साइट चेक हो जाती है, महीने भर बाद भी चेक हो जाती है, और उसके बाद भी आर्किटेक्ट को शोकाज चला जाता है और उसकी कई महीनों तक की प्रैक्टिस है जो बंद हो जाती है। लोग परेशान हैं, जिन लोगों के हाउसेज कंप्लीट हो गए हैं उनके आर्किटेक्ट्स को शोकाज भेजा हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज़ अनियंत्रित हो जाती है, देखिए रखा तो इसलिए था कि सहूलियत हो इस चीज़ के अंदर, सहूलियत को और फसावट बना देंगे। यानी पहले हम क्या करते थे, डिपार्टमेंट में फाइल जमा करते थे, डिपार्टमेंट जेई जा करके चेक करता था साइट को, अपनी रिपोर्ट बना करके देता था, फाइल ओके है, फिर ड्राफ्टमेंट से निकलती थी फाइल, अलग अलग लोगों से निकलती थी, एटीपी के पास जाती थी, उनकी भी मर्जी होती थी, वो जेई की साइट विजिट को क्रॉस चेक करें, तो वो क्रॉस चेक करते थे, फिर वो हैंड्स वो कर देते, हाँ साइट ओके है। फिर डीटीपी के पास जाती थी फाइल, वो भी चेक करते थे, संतुष्ट नहीं होते थे उन, वो भी जा सकते थे साइट पे कि मैं क्रॉस चेक करूँ, वो जाते थे तो जा करके देख लेते, नहीं जाते थे तो वहीं से साइन करके कि हाँ एटीपी ने वही ने कर दिया, तो उसको ओके मानते हुए साइन करके ओसी दे देते थे। ओसी मिलने के बाद फिर लाइबिलिटी किसी की नहीं रहती थी, बात ओके हो जाती थी। फिर अगले दिन ही आदमी चाहे जा करके वहाँ पे कोई गड़बड़ कर ले, यह है, पर उसको चेक करने वाला कोई नहीं होता था। अब ये प्रोसीजर उल्टा हो चुका है, अब इसमें पहले ओसी दिया जाता है। अब जिस आर्किटेक्ट ने पुराने सिस्टम में अगर ओसी की फाइल डाली थी, उसको टेंशन कम रहती थी, क्योंकि उसने तो फाइल लगा दी है, अगर करनी है कुछ गड़बड़ पाई है जेई को या फिर कुछ है, तो कहते थे नहीं होगी फाइल, नहीं होगी, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती थी जैसा भी होता था। अब तो ये कि पहले ओसी देना है फिर करना है, ये है, और उसके कोई मापदंड भी नहीं है कि किस चीज़ में फंस सकता है नहीं फंस सकता है। तो ये जब ऐसी कोई फ्लोज होते हैं, कोई कमियां होती है पॉलिसी में, और उसको फिर फॉलो करने वाले लोग अनियंत्रित हो जाते हैं, तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। वो समस्या ऐसी हो जाती है कि अगर कोई ऐसे ऐसा सिनेरियो हो जाए कि हर फाइल में बाल की खाल निकाल के या फिर कुछ भी करके उसको रोका जा सकता, रिवोक किया जा सकता है, शोकाज भेजा जा सकता है, तो एक आर्किटेक्ट को, दो आर्किटेक्ट को, 5 आर्किटेक्ट को, जब ऐसा हो जाए कि इस पॉलिसी की वजह से महीने 2 महीने में 70 आर्किटेक्ट्स को अगर नोटिस जा रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, ये है,
तो ऐसा लगता है कि साल भर में तो शहर के सारे आर्किटेक्ट ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, तो शहर का निर्माण कैसे होगा? जब कोई ऐसी चीज़ हो कि इसमें गड़बड़ हो रही है कुछ, आर्किटेक्ट तो शोकाजी शोकाज जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है और सरकार को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आपने कोई एक रास्ता बनाया है, एक सीधा रास्ता बनाया है, वो बिल्कुल टूटा फूटा है और उसके साथ में बिल्कुल बाजू से एक बढ़िया हाईवे निकाल दिया है और उस हाईवे पे लिख दिया कि इधर जाना मना है, और आप पब्लिक को देख रहे हैं कि बार बार पब्लिक उसी बढ़िया रास्ते पे ही जा रही है और आप लोगों के चलान काट रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्यों मना लिखा है यहाँ पे फिर भी क्यों जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये रास्ते में गड्ढे हैं जो आपने सीधा बनाया हुआ है, तो आप कह रहे हैं नहीं ये तो कोई तरीका नहीं होता है, यहाँ पे बढ़िया वाले रास्ते पे जाना मना है जब का है, तो आप पब्लिक को रोक नहीं पाएंगे, बार बार बढ़िया वाले रास्ते पे जाएगी ये है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ या तो उसी सीधे रास्ते को चौड़ा करके बढ़िया कर दो या इसको भी खोल दो ना पब्लिक के लिए। कमी इसका मतलब आप ही की कि आपने उस रोड को सही नहीं बना रखा है, इसीलिए लोग दूसरा रास्ता चूज कर रहे हैं। ये है उनके चालान काटना, उनको शोकाज भेजना, उनको परेशान करना ठीक नहीं है। अब समय आ गया इसी के अंदर इन चीज़ों की मेजरमेंट मापदंड बनाना और सुधार करना ताकि ये चीज़ स्मूथ तरीके से चल जाए। देखिए और कुछ नहीं होता है, असली चीज़ क्या होती है, घूम फिर करके जो आम आदमी है, आम आदमी के ऊपर ही गाज गिरती है, आर्किटेक्ट का भी कुछ नहीं जाता है। देखिए आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर रहा है, फाइल लगाना तो एक अलग चीज़ है कि डिपार्टमेंट में वो साइन करके फाइल लगाता है, कुछ लोग तो इस चीज़ से भी फेडअप होकर के वो अपने साइन ही नहीं करते हैं कि मुझे टेंशन नहीं लेनी, वो सिर्फ कंसल्टेंसी करते हैं। आर्किटेक्ट बढ़िया पैसा कमाता है, अपनी कंसल्टेंसी करता है, लोगों के अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, आप लोग भी देखते हैं सुंदर सुंदर घर गुड़गांव के अंदर शहरों के अंदर बने हैं, सब बढ़िया खुश है, रहने वाला भी खुश है। आम आदमी जो प्लॉट ले रहा है, अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बनाने में सालों लगा रहा है, अपने आप को झोंक रहा है, पैसा लगा रहा है, अपने रहने के लिए जब उसका समय आता है उसको ओसी लेना होता है, अब उसको ओसी का रास्ता ही उसका इतना कठिन बना दिया है, एंड यूजर को ही तो नहीं मिल रहा है ओसी। ये है वो आम जनता परेशान होती है और कोई परेशानी होता है, सरकार शोकाज निकाल देती है, आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट कर देती है, आर्किटेक्ट कोई बात नहीं ठीक है एक हो गया दो हो गया, जब लिमिटलेस हो गया तो एंड यूजर को क्या होगा, असली काम तो एंड यूजर का है। तो इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी वैसे सही है, अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए इसको, तो इसकी जो ये कमियां हैं फिनिशिंग से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, इन चीज़ों को ठीक करके। और देखिए मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ क्या है, अगर आप हरियाणा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, प्लॉटेड कॉलोनीज में आपने अगर देखा है, तो सब लोग जानते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात है कि ये एक रेस है ओसी लेना और ये वाला। कटआउट का ऐसा प्रावधान सरकार ने बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बनाया हुआ है, आपको आगे पीछे जो जगह छोड़नी है उसमें आप वॉलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वही रास्ता बनाया हुआ है जो बढ़िया वाला बताया हुआ है कि कटआउट छोड़ करके आप बाद में उसको भर करके अपना एक रूम या फिर कुछ एक्स्ट्रा एरिया निकाल सकते हैं। तो सबको वो मीठा मीठा लगता है कि हाँ सब कटआउट है, जो चाहेंगे कटआउट रखे, अंदर ही अंदर है, हम बाद में भरेंगे, हमको एक रूम मिल जाएगा, फिर एरिया बड़ा मिल जाएगा। उस कटआउट का प्रावधान ही क्यों बनाया हुआ है सरकार ने, सीधा आगे पीछे छोड़ करके बीच का जो हिस्सा बनता है उसमें बनाने दे, अंदर एक कटआउट है उससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है, क्या बेनिफिट है, वो छोड़े ना छोड़े भर ले उससे क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। और मजे की बात यह है कि सब लोग कटआउट छोड़ते हैं, कोई भी एक घर नहीं है, कोई सरकारी अफसर अपना खुद का घर भी बना रहा है, कोई मंत्री अपना खुद का घर भी बना रहा है, तो वो भी वही कटआउट छोड़ रहा है। अब वो बस एक रेस है, वो कैसी रेस है, वो आर्किटेक्ट ने फाइल लगाई, कटआउट मौके पे छोड़ा हुआ है, भरा नहीं है अभी, और वो जो फाइल है वो फाइल को अपना एक महीना दो महीना तीन महीना मैक्सिमम पूरा करना है, जिसमें DTP साहब भी चेक करके आ जाएंगे, उसमें STP साहब भी चेक करके आ जाएंगे, उसके अंदर एनफोर्समेंट भी चेक करके आ जाएगी, सब चेक करके आ जाएंगे। तो वो उसने अपना एक टाइम पीरियड उसने अपना पार कर लिया, जब ओनर सेटिस्फाइड हो गया कि अब काफ़ी डिपार्टमेंट्स आ करके जा चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा, चीज़ पुरानी हो गई, वो अपना कटआउट भर लेता है और ता उम्र के लिए वो सेफ है, इतना सेफ है, वो रहने लग गया है कि उसका पूरा नेबरहुड जो है वो सारा ऐसे ही है, जिन लोगों का ओसी 5 साल पहले हुए, 1 साल पहले हुए, 2 साल पहले हुए, सब ने कटआउट भरे हुए, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कहने आएगा तो पूरा गुड़गांव ही सारा तोड़ना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट या सरकार तो कर नहीं सकती, वो राम जी कर सकते हैं, कोई बढ़िया भूकंप प्रलय ना करके सब खत्म हो जाए, फिर दोबारा से स्ट्रिक्टनेस बढ़ा करके और उसको फिर फॉलो कराया जाए। तो ऐसा जब हो जाए किसी शहर में स्टेट में, तो समझदारी यही है
कि उससे अगर कुछ मिल नहीं रहा, वो ऐसी खामी है कि जिसके पीछे सारा डिपार्टमेंट हाथ धो करके लगा हुआ है, कितनी अपनी जान लगा रहा है, सैलरीज, डीटीपीज की सैलरी, एनफोर्समेंट डीटीपीज की सैलरी, जेईज की सैलरी, एसटीपीज की सैलरी, सब ने अपनी गुड़गांव के अंदर तो खासकर सारी की सारी जो मेहनत टोटल जान है जो वो इसी चीज़ों को फाइंड आउट करने में लगा दी है कि जो फ्रेश केस डले हैं उसी के, खासकर रेजिडेंशियल प्रोटेक्ट कॉलोनीज को उसके पीछे लग जाओ, बार बार चेक करो उसको, तू भी चेक कर क्या डिपार्टमेंट का, मैं भी चेक करके आऊँगा, आप सब चेक करो। जो सब लोगों ने अपनी जो है वो पावर वहीं लगाई हुई है। सरकार को ये सोचना चाहिए इतने सारे लोग, इतनी हाई सैलरीज लेने वाले, इतने अहम पोस्ट के जो लोग हैं, वो क्यों आम आदमी के घर बनाने के ऊपर इतना इंटरेस्ट, इतना फोकस दे रहे हैं। ये है पब्लिक का पैसा है जो इनकी सैलरीज में भी जाता है, सब जाता है, तो वो एक अच्छे काम में और किसी चीज़ में लगाएं। ये है, इस चीज़ को सुधारने की मेरा कहने का मतलब जरूरत है। हालांकि सरकार बहुत सपोर्टिव है, बीजेपी सरकार के आने के बाद तो इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, सरकारी दफ्तर भी सुधरे हैं, सैटरडे को भी काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं, प्रॉपर मन लगा के काम करते हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे स्टेट में, मैं काफ़ी ऑफिसर्स से मिला हूँ, सभी लोग बिल्कुल होनहार हैं, अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। कई बार बस ये कि डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, वो डायरेक्शंस पूरी पकड़ करके आदमी करे तो और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें सिटी की, शहर की, स्टेट की बेटरमेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप शहर के डॉक्टरों के बारे में अखबार में ऐसी खबर फैला देंगे, सरकारी फैला देंगी, सरकार के ऑफिसर्स हैं, जो डीसी की तरफ से कोई बयान आ जाएगा कि शहर के डॉक्टर ने कर रखी है गड़बड़, उनके इलाज में आ रही है परेशानी, या फिर वो डिफॉल्टर हैं कुछ हैं, तो अब जो आम जनता के अंदर तो खौफ आ जाएगा कि अब डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराएगी नहीं कराएगी आम। तो ये सरकार की लाइबिलिटी है डॉक्टर्स को, आर्किटेक्ट्स को, सीएस को, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, एडवोकेट्स को, इनकी एक बेसिक गरिमा जो है, एक ये नोबल प्रोफेशंस होते हैं, वो बना करके रखें ताकि शहर के लोग और आपके शहर के बाहर जो इन चीज़ों को देख रहे हैं उनके अंदर ये आए कि हाँ यहाँ पर थोड़ा ठीक है, इन प्रोफेशंस की इज्जत है और लोग काम कराने में डरे ना। ये है, अगर आप इस तरीके की न्यूज़ फ्लोट करेंगे कि गुड़गांव के आर्किटेक्ट्स हैं जो वो डिफॉल्टर्स हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है, बिल्डिंग गलत बना रहे हैं कुछ हैं, तो लोग जब घर बनाने के लिए कोई बाहर देश से आएगा या फिर दूसरे शहर से आएगा, फिर गुड़गांव का ही नागरिक होगा, तो वो सोचेगा कि गुड़गांव में तो आर्किटेक्ट्स हैं जो बड़े ख़राब हैं, मकान बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, गलत बना देंगे, गिर जाएगा, कुछ भी ऐसे थॉट्स आएंगे। आम आदमी का मन छोटा इस चीज़ में होता है जब उसकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों की हो, तो उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वीडियो सिर्फ इसलिए बनाइए कि शायद ये बात फिर पहुंच जाए लोगों तक और इन चीज़ों को भावनात्मक तरीके से समझे, वैसे ना ले विरोधात्मक तरीके से, और सिस्टम ठीक हो, समाज की बेहतरी हो। और हमारा गुड़गांव, खासकर मैं गुड़गांव में रहकर के वीडियोस बनाता हूँ, तो गुड़गांव के लिए बनाना चाहता हूँ मेन जो है इनिशियली लेवल पर, और उसकी बेहतरी करना चाहता हूँ, तो और बेहतर हो, चीज़ें अच्छी हों, तो मेन चीज़ ये है। धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो को देखने के लिए, और चाहूँगा कि ये बात लोगों तक पहुँचे और इन चीज़ों में सुधार हो। थैंक यू वेरी मच।